हेलो बंधु बान्धवी जिसके बी एस सी नार्सिंग अथवा डिफार्म करम भाई से लिखी भल खबर कमन एंट्रेस एग्जाम 2022 बहुत लगे और ये कमन एंट्रेस टेस्टर फर्म फिलअप तो बर्तमान चलि तो जिसके डिफार्म अथवा बी एस सी नार्सिंग करम भाई सेनलाइन आवेदन केन्द्र कर सविशेष आलोचना करम आज भिडियो जदि आप मोर चेनेल इतना सबसक्राइब करना है सबसक्राइब कर लो तो बोलोक भिडियो आरम्भ करूँ। बी एस सी नार्सिंग अथवा डिफार्मर कारण एप्लाई हमें आपको मोबाइलते पार मोबाइल थका क्रोम ब्राउजार ओपेन कर लो। क्रोम ब्राउजार गई आप सार्च कर श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस ये ओपेन कर लो। मैं मोर भिडिओ डिस्क्रिप्शन लिंक तो दी आपन तक क्लिक कर ले पेज तो खोल खाई जा प्रथम श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी अफ हेल्थ साइंसेस तपे स्क्रॉल कर इतना जीत एप्लिकेशन फर्म और लॉगिन फर्म दिया से आपलोगे एप्लिकेशन फर्म क्लिक कर एप्लिकेशन फर्म क्लिक कर पास एने इंटरफेस इनफॉर्मेशन ब्रोचर प्लीज रीड केयरफुली ये आपलोगे पढ़ी सब गोटेखी और एकदम तलत थको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक कर नेक्स्ट क्लिक कर लगे और पेज ओपेन हो जा जो पूरा फुल फर्म फिलअप कर लगे इतना नाम सको दी लगे आम कई गई आसो गोटेखी आपने फर्म फिलअप कर लगे। प्रथम से चूज एनी वन अफ द फलोईंग कोर्स बी एस सी नार्सिंग डि फार्म बोथ बी एस सी नार्सिंग एंड डि फार्म जिस अक बी एस सी नार्सिंग से विचारी से अक बी एस सी नार्सिंग क्लिक कर जिसके डि फार्म विचार से डि फार्म जिसके दूटा करम भाई से बोथ बी एस सी नार्सिंग एंड डि फार्म तक क्लिक कर बी एस सी नार्सिंग अक छाली कारण नेम अफ द केडिडेट आपन निजर नाम तो दी फादार्स नेम निजर देवतार नाम तो दी मदार्स नेम निजर मार्क नाम तो दी सेक्स मेल और फिमेल डेट अफ बार्थ बहुत दी एज एज ऑन 31 December 2022 डेट तो बहुत दी कैटेगरी जेनेरल ओ बी सी एम ओ बी सी जिसके इ डब्ल्यू एस आसे प्रथम जेनेरल कैटेगरी क्लिक कर इत इ डब्ल्यू एस इ एस वर्ण आई जाएस दी दिन इ डब्ल्यू एस कैटेगरी सकते एने एप्लाई कर टी जी एल टी गार्डेन लेबर सकते येस अब्लिक न जोटा आसे येस हमें येस दी एक्स टी जी एल सकते आपलोगे येस और ब्लिक नो दुटा दी आसे आपलोगे एक्स टी जी एल जदि होय तेन होले येस दिबो आर जदि न होय तेन नो दिबो। टी जी एल अर्थात टी गार्डेन लेबर चर एरिया सकले येस और ब्लिक नो जितु आसे हेतु दिबो। फिजिकली हेंडिकेप सकले येस दिबो। नेशनलिटी इंडियन फिजिकल आइडेंटिफिकेशन किबा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क थका सकले इयात लिखि दिबो गुटेखिनि आरु ए पार्मानेंट रेसिडेंट अफ आसाम जदि पार्मानेंट रेसिडेंट अफ आसाम होय तेनले येस दिबो जदि न होय नो दिबो। यार पास आई कम्युनिकेशन इनफर्मेशन लोकल एड्रेस आपलोर निजर एड्रेस बहुत दी सीटी बहुत पिन डिस्ट्रिक्ट स्टेट यू सिलेक्ट कर पार्मानेंट एड्रेस एज एबव जदि आपलोर लोकल एड्रेस और पार्मानेंट एड्रेस सेम है एज एबव क्लिक कर दी और बाकी मोबाइल नम्बर इमेल एड्रेस बहुत दी। चूज एनी वन सेंटर आपलोर कमन एंट्रेस एग्जाम कत दीबर सुविधा हम सभी सुविधा अनुजाई आपल एग्जाम सेंटर चूज कर गुवाहाटी डिब्रुगढ़ शिलचर जोरहाट बरपेटा तेजपुर डिफू लखीमपुर यू सेंटर अक कमन एंट्रेस एग्जाम पता हम तो आपलोर निजर ऊर थका एग्जाम सेंटर तो चूज कर सबजेक्ट सबजेक्ट यू एन टू ए पी आर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेथ फिजिक्स और केमिस्ट्री सकते दु लगे और बायोलॉजी बी एस सी नार्सिंग बायोलॉजी चूज कर और जिसके डि फार्म दुके बायोलॉजी चूज कर पे अथवा मेथमेटिक्स चूज कर जिकोटा चूज कर ले डि फार्म डेट अफ पासिंग एच एस एस एल सी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अर्थात एच एस एग्जाम आपलोर कि तारिखे पास कर डेट अफ पासिंग दी लगे इपे कौन बोर्डर पास करट्यूटर नाम तो लिख लगे लास्ट नेम अफ बोर्ड बोर्डर नाम तो आपलोर लिखी दी आसाम हायर सेकेंडरी एडुकेशन काउंसिल जो है ए एच एस सी सी लिखी दिले हल आपलोर निजर व्यक्ति स्कूल नाम तो लिखी दी इतना एच एस एल सी एडुकेशन इन्स्टिट्यूट इपाई मार्क सिक्योर्ड इन एच एस एस एल सी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अर्थात हायर सेकेंडरी आपलोर कत कि मार्क्स पासी यू बहुत लगे इंग्लिश कि आपलोर लिख टोटल मार्क्स हाण्ड्रेडर पास आज कि हाण्ड्रेडर मजदूर 85 जो पासी 85 लिख पार्सेंटेज यू पार्सेंटेज आई जा 85 अपना लिखी लगभग यखि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेथमेटिक्स यू मार्क्स आपलोर बहुत दी इार पास अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के बहुत आपल इतना क्लिक कर क्लिक हेयर जी लिखा है इतना क्लिक कर फोटो अपलोड कर दी फोटो तो साइज अफ फोटोग्राफ मास्ट वि लेस देन 35 KB अर्थात 35 KB से सौ हम लगे बाकी पिक्सल दिखे आपने हाइट एंड वेट तो हम आपको चाह लगभग इंस्ट्रक्शन फॉर सिग्नेचर यार पास सिग्नेचर तो अपलोड कर लगे सिग्नेचारों सेम तेनेदर 30 KB से सौ हम लगे और हाइट और वेट तो अपने चाह लगे इतना दिया 100 PX एंड 180 भर हम लगे और वेट तो हम लगे 150 PX एंड 220 PX भर हम लगे इार पास लॉगिन डिटेल्स
আর পাসওয়ার্ডটা আপনাকে নিজে দিব লাগিব। পাসওয়ার্ডটা আপনাকে যিকোনো এটা দিলেই হল, আপনাকে ক্যারেক্টার এটা দি দিব আর নামৰ প্ৰথম এটা কিবা দি দিব, এট দ্য ৰেট দি 123 এনেকুৱা কিবা এটা দিব। সেম রি এন্টার পাসওয়ার্ড আপনাকে রি এন্টার করে দিব। ডিক্লেরেশন বাই দ্য ক্যান্ডিডেট এইখানে পড়ার পর আপনাকে সাবমিট বাটনত ক্লিক করে দিব। সাবমিট বাটনত ক্লিক করার লগে লগে আপনার একনোলেজমেন্টটো প্রিন্ট আউট হয়ে আসবে। তে তারপর আপনাকে টাকা দিব লাগিব, অনলাইন টাকা পেমেন্ট করে পড়ব, অনলাইন টাকা পেমেন্ট করব লাগিব 1200 টাকা। তো আপনাদের এইখানে করে লোক। তো আজির ভিডিওটা আসলে ইমানে, যদি ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে সাবস্ক্রাইব এটা করবলে নপাহরিব। ধন্যবাদ।